नमस्कार, इंडिया न्यूज यूपी उत्तराखंड देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर प्रयागराज से, जहां अतीक के वकील विजय मिश्रा पर बड़ा खुलासा हुआ है। लखनऊ में मोहम्मद मुस्लिम के करीबी से मिलने पहुंचा था विजय, और करीबी के जरिए अतीक की बेनामी संपत्ति का सौदा होना था। अतीक की बेनामी संपत्ति खरीदने की जिम्मेदारी ली थी, और ये बड़ी खबर है जहां विजय से मिलने के लिए मोहम्मद मुस्लिम ने करीबी को भेजा था। पूछताछ में बेनामी संपत्ति के डील की बात सामने आई है, और यह बहुत बड़ा खुलासा इस पूरे मामले को लेकर हुआ है, जहां मोहम्मद मुस्लिम के करीबी से मिलने के लिए पहुंचा था। और यह बड़ी खबर है जहां अतीक की बेनामी संपत्ति खरीदने की जिम्मेदारी दी थी। पूछताछ में बेनामी संपत्ति के डील की बात भी सामने आई है, और इस वक्त यह बड़ी खबर है प्रयागराज से, जहां अतीक के वकील विजय मिश्रा पर बड़ा खुलासा हुआ है। विजय मिश्रा लखनऊ में मोहम्मद मुस्लिम से करीबी से मिलने के लिए पहुंचा था, और यह बताया जा रहा है कि अतीक की बेनामी संपत्ति का सौदा होना था। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मार्तंड हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मार्तंड, देखिए जिस तरीके से बड़े खुलासे हो रहे हैं पूरे मामले को लेकर के, विजय मिश्रा जो कि वकील था वो कहीं ना कहीं अब करीबी से मिलने के लिए पहुंचा है मोहम्मद मुस्लिम के, ये अभी तक सामने आ पाया है, क्या इससे जुड़ी हुई जानकारी आपके पास है? जी बिल्कुल, देखिए दो दिन पहले ही विजय मिश्रा को जो है लखनऊ से जो है प्रयागराज पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसके बाद लगातार पूछताछ हो रही थी विजय मिश्रा, क्योंकि अतीक के परिवार का काफी करीबी रहा है, और विजय मिश्रा जो है लगातार जो अतीक के जो फैमिली मेंबर्स है, अतीक हो, अशरफ हो, अतीक के दोनों बेटे, सारा मुकदमा वो लड़ता रहा। वो पिछले दिनों इसका ऑडियो वायरल हुआ था दो महीना पहले एक्सटॉर्शन मांगते हुए, वो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि गुड्डू मुस्लिम और साहिस्ता जो अभी तक पुलिस कब्जे नहीं चढ़े हैं ये फरार है, तो ये उनके भी संपर्क में था। अब ये बड़ा खुलासा सामने आया है कि वो यहाँ पे एक जो अतीक की बेमानी संपत्ति है वो जो कि प्रयागराज में है, वहां उसका सौदा करने आया था ये अतीक और अशरफ ने। ये जमीन जो भूखंड है जिसका सौदा ये करने आया था, एक राजमिस्त्री के नाम पे जो है कौड़ियों के भाव पे खरीदी थी, लोगों पे दबाव बना के खरीदी थी। 12 करोड़ में जो है इसका सौदा होना था, और होटल हयात में ऐसा जानकारी सामने आ रही है कि इसमें अशरफ की जो पत्नी है जैनब, उसको भी लखनऊ बुलाया गया था, साथ ही साथ अशरफ के साले साहिब को भी बुलाया गया था, और ये तमाम लोग मौजूद थे। हालांकि जब तक एसटीएफ को ये जानकारी हुई, वो हयात पहुंची तब तक वो महिलाएं जा चुकी थी, और जैनब के साथ ये भी बताया जा रहा है कि जैनब के साथ दो महिलाएं और भी थी। तो कुल मिलाकर एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, और ये जो सौदा होना था, ये जो अतीक का पूर्व एक करीबी रहा है गुड्डू मुस्लिम, वो जो है उसके किसी करीबी से के माध्यम से ये सौदा होना था, पर ये तमाम मार्तंड, लेकिन जिस तरीके से बार बार जो जिक्र हो रहा है बेनामी संपत्ति का जिक्र किया जा रहा है, ऐसे में ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि इस बेनामी संपत्ति में क्या कुछ शामिल है, और कौन प्रतिनिधित्व पहुंचा था जो कि मोहम्मद मुस्लिम का करीबी माना जा रहा है विजय मिश्रा से मिलने के लिए। जी बिल्कुल, देखिए ये जो पूरा जो मामला है जो ये प्रकाश में आ रहा है, ये जो जमीन है बेमानी संपत्ति जो है ये जो है प्रयागराज में है, और इसका ही सौदा यहाँ पे होना था। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये संपत्ति जो है अतीक और अशरफ ने जो लोगों पे दबाव बनाकर कौड़ियों के दाम पे खरीदी थी, और ये एक राजमिस्त्री के नाम पे खरीदी गई थी, और जो मोहम्मद मुस्लिम जो है वो एक करीबी बिल्डर है जो है अतीक का, उसके ऊपर जो है प्रयागराज लखनऊ समेत अलग अलग जगहों पे 16 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है, तो उसी के किसी करीबी के माध्यम से ये जो है सौदा होना था। और पुलिस अभी पूछताछ और कर रही है कि कौन वो करीबी है। ठीक है मार्तंड, आप लगातार हमारे साथ बने रहे कुछ